अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। तुर्बे में वरिष्ठ नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी का ब्लड डोनेशन कैंप, सीएम उद्धव ठाकरे के बर्थडे पर सैकड़ों लोगों ने किया रक्तदान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर तुर्भे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी द्वारा आयोजित इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नाम रक्तदान किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख विट्ठल मोरे, द्वारकानाथ भोईर एवं सांसद राजन विचारे खास तौर पर मौजूद रहे। यहाँ सांसद राजन विचारे ने रक्तदान करने वाले नागरिकों को सर्टिफिकेट देकर हौसला बढ़ाया। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने सुरेश कुलकर्णी के प्रयासों की सराहना की। वहीं खुद सुरेश कुलकर्णी ने रक्तदान शिविर को सीएम के प्रति अपनी शुभकामना बताया। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज आदरणीय उद्धव साहब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उनका आज जन्मदिन है। उस अवसर पर उन्होंने जिस तरह बोला था, भाई मेरा जन्मदिन आप लोग सेलिब्रेट मत करिए, लेकिन अगर आपको कुछ काम करना है तो ये कोविड को कंट्रोल करने के लिए, कोविड को रोकने के लिए और हमारे महाराष्ट्र का मृत्यु दर शून्य पर, जीरो पर लाने के लिए आप लोग काम करो। उसके मुताबिक वो उनका जो आह्वान है, उसका आह्वान को प्रतिसाद देते हुए हमारे कुलकर्णी जो स्थायी समिति के पूर्व सभापति हैं और तुर्बे स्टोर के यहाँ के पूरे नेता है, और उन्होंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आप देखते कितनी बड़ी पैमाने पर भीड़ हो रही है और लोग इसमें रक्तदान करने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। मैंने देखा पिछले 4 महीने वो खुद एक दिन भी घर में बैठे नहीं, लोगों के लिए, लोगों को अनाज बांटना, लोगों को दवाई बांटना, लोगों के लिए यहाँ पर जो सैनिटाइजेशन फवारनी करना, ये सब करके आज तुर्बे स्टोर में उन्होंने पूरा कंट्रोल में रखा है जो कोविड का। जैसे मुंबई में धारावी में किया गया, उसी तरह सुरेश कुलकर्णी और उनके सभी साथियों ने नवी मुंबई में तुर्बे चौपड़पट्टी में किया। ये बात हमारे लिए बहुत गर्वपूर्ण है। गर्वपूर्ण इसके लिए, गरीबों का इलाका है और गरीबों के इलाके में इस तरह का अपना जो भी योगदान है, पैसे का हो, अनाज का हो, दवाई का हो, जो भी योगदान, और खुद इसमें खुद उतर कर काम करते हैं, ये बड़ा योगदान है। मैं ये सब श्रेय कुलकर्णी साहब को देता हूँ, शिवसेना को देता हूँ और शिवसेना के सभी कार्यकर्ता उनके साथ में हैं, और हम जिला प्रमुख करके हमेशा उनको जो भी सपोर्ट रहेगा वो करते हैं और करते रहेंगे। मैं आज के उद्धव साहब के जन्मदिन के दिन हम कुलकर्णी साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहबांनी या सगळ्यांना आवाहन केलं होतं महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येकाने रक्तदान शिबिर घ्या म्हणून, त्या उद्देशाने त्यांच्या माध्यमातून आम्ही हा रक्तदान शिबिर घेतलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी परिषद चांगल्या प्रकारे भेटतात आणि आतापर्यंत 40-45 लोकांनी रक्तदान शिबिर केलेलेच आहेत। संध्याकाळपर्यंत 4 वाजेपर्यंत 100-150 जाणारच, जेवढे होतील तेवढे 4 वाजेपर्यंत करा। हा प्रभाग क्रमांक 68 68 69 70 71 73 या 5 वाड्यातले सगळे मिळून एकत्रित आम्ही चालू आहे। आमच्याकडं कोरोनाचे पेशंट 91 191 भेटले होते स्टार्ट झाल्यापासूनच कोरोनाचे, त्यावेळेस महामारी सुरू झालं आहे। त्या उद्देशाने आम्ही सगळ्यांनी त्या ठिकाणी महानगरपालिकेचे अधिकारी असतील, आमचे कार्यकर्ते एकत्र येऊन आम्ही सगळे डोर टू डोर जाऊन स्कॅनिंग केले। त्या ठिकाणी जे आजारी असेल, बाबा चला याला स्टार्ट आहे, आजारी पडेस कधी असेल, अशा लोकांना आम्ही दवा उपचार देऊन घरच त्यांना क्वारंटाईन करून घरी बसवले। या उद्देश सगळे एकत्र महापालिका, आम्ही सगळे एकत्र मिळून आमचे 100-150 कार्यकर्ते सगळे एकत्र येऊन हे काम केल्याबद्दल आम्हाला हे खूप बेनिफिट मिळालेलं आहे। आणि त्या ठिकाणी त्या फवारणी असेल, सॅनिटायझर असेल, सगळे आम्ही फवारणी 8 दिवसाला 10 दिवसाला करून हा आमच्या एरियातली कोरोना मुक्त केलेला आहे। इस रक्तदान शिविर के आयोजन में हम भूमिका निभाने वाले युवा नेता महेश कुलकर्णी ने कहा
कि कोरोना मरीजों के हित में सीएम ने रक्तदान का आह्वान किया था, इसलिए युवा टीम के जरिए हमने उनके जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और सामाजिक उपक्रमों के जरिए उन्हें शुभकामना देने की पहल की। उद्धव साहब ठाकरे जी का आज जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर जो उद्धव साहब ने हमें बोला था मिशन बिगेन अगेन, उस मिशन के अनुसार जो हमारे यहाँ पर जितने भी युवा सेना है, सारे जो बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, सारे इस ब्लड डोनेशन के लिए खुद सामने से आगे आ रहे हैं, ताकि आज ये हम पर बीती है, कल जो आगे किसी पर बीतेगी तो ये उन पर बीत ना पाए, इसलिए ये ब्लड डोनेशन ये सबके लिए आ रहे हैं। गौरतलब है कि सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर नोइंबई के कई अन्य ठिकानों पर भी सामाजिक उपक्रम चलाए गए। नेरुल के नार भगत स्कूल में प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया गया, जहां सांसद राजन विचारे और नामदेव भगत समेत तमाम शिवसेना नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।